हेलो, मैं हूँ अनु और आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि क्या एपी 11, 8, 5 और 2 का एक पद -150 है और तो क्यों? तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। एपी क्या दिया हुआ है, 11, 8, 5 और 2, और लास्ट में क्या बोल रहा है, एक पद जो है हमारा 150 दिया हुआ है। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11, और लास्ट पद n क्या हो जाएगा हमारे पास, 150, क्योंकि ये डॉट 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 एक पद दिया हुआ है, कोई एक पद जो है हमारा 150 है, तो इसको हम an लिखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद डीज का क्या निकलेगा, डी इक्वल टू सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म, क्या आ जाएगा, -3। अब डी ए भी आ गया, डी भी आ गया हमारे पास और एन भी है, तो क्या बोल रहा है का एक पद है, तो एन निकालेंगे फिर एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन हमारा 150, ए क्या हो जाएगा 11 प्लस एन क्या हो जाएगा, एन नहीं है, एन पता नहीं है, डी क्या हो जाएगा माइनस। अब क्या करेंगे, -150 और ये इधर आ गया माइनस साइन लेकर, तो इन माइनस वन इंटू -3, -1 और क्या हो जाएगा, इन माइनस वन इंटू -3। अब ये माइनस को कैंसिल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू 3। एन माइनस वन 3, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा +1, इतना आंसर। यानी ये जो हमारा आया क्या आया, इसको डेसिमल में भी कर सकते हैं, पॉइंट में भी कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 15 और 3 5 15 और 4 12 point 3, इतना आ जाएगा। तो ये हमारा एन आया क्या पॉइंट में, या फिर इसको भिन्न में भी लिख सकते हैं, भिन्न में आया। तो कौन सा बोल रहा है कि क्या इसमें 100 -150 जो है एक पद है, तो देखिए एक भिन्न में आया है इसलिए -150 एक पद नहीं होगा। अब उसी का क्वेश्चन नंबर 2, मतलब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 7 क्वेश्चन नंबर लिखा है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। यानी दो पद दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, 11वां पद यानी कि ये ए 11 कितना दिया हुआ है 38 और 16वां पद दिया हुआ है ए 16, क्या दिया हुआ है
73 निकालना क्या है, 831 नहीं पता, तो अब कैसे निकलेगा? तो इक्वेशन के हेल्प से निकालते हैं। क्या हम इसको A11 को हम A+10 डे लिख सकते हैं? तो A11 कितना दिया हुआ है, 38 इज इक्वल टू A+10 डे, डी इक्वेशन 1। अब उसी तरह A16 दिया हुआ है ना, A16 इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A+15 डी 16, क्या दिया हुआ है 73, तो A+15 डी क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से 38 इक्वल टू A+10 डी और 73 इक्वल टू A+15 डी। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, क्या बचेगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5 और 6, 3, 3, लेकिन माइनस साइन होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा हमारा -5D। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल और 5 से 7 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए डी इक्वल टू क्या आ जाएगा 7, यानी इसका हमारा सार्वंतर निकल गया। अब क्या करेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा 38 इक्वल टू A+10 डी। अब देखिए 38 इक्वल टू A+10 इंटू 7, तो क्या हो जाएगा 38 इक्वल टू A+70 इक्वल टू A, इसलिए A इक्वल टू कितना हो जाएगा 32, लेकिन नेगेटिव में आया, A का वैल्यू निकल गया, D का वैल्यू निकल गया। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, A 31 निकालने बोल रहा है, यानी कि 31वां पद, तो A 31 को A+30D तो लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, A हमारा क्या आ जाएगा -32 आ गया और 30 और D का वैल्यू क्या आया था 7, कितना हो जाएगा -32 + 200। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, इसमें दिया गया है एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए एपी दिया हुआ है जिसमें 50 पद हैं, यानी कि एन इक्वल टू 50, ठीक है, जिसका तीसरा पद यानी A3 कितना दिया हुआ है 12 और अंतिम पद यानी An इक्वल टू 106, अंतिम पद 106 दिया गया, तो क्या ज्ञात करना है 29वां पद, ये 29 इक्वल टू पता नहीं ये ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए जो जो दिया हुआ वो लिखते हैं, A3 दिया हुआ है और An दिया हुआ है, तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं A+2D, A3 कितना दिया हुआ है 12 इक्वल टू A+2D इक्वेशन 1 लिख सकते हैं ना। अब क्या दिया हुआ है An इक्वल टू 106, तो An का फॉर्मूला क्या लिखेंगे An-1 इंटू D। An का वैल्यू क्या दिया हुआ है 106,
एन कितना है हमारे पास, 50 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 49 डी, ऐसा लिख सकते हैं इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, समीकरण एक एवं दो से। समीकरण एक क्या है हमारा, 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2d, और सेकंड क्या है, 106 इज इक्वल टू ए प्लस 49d। अब इसको सॉल्व कीजिए, ऐसे कितना आ जाएगा, माइनस साइन में आएगा 8, और ये क्या हो जाएगा 10, 98, ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा माइनस 47। नेगेटिव में 4 ना यहाँ पे होगा। अब देखिए ये डी होगा 47 डी, माइनस से माइनस कैंसिल, इसलिए डी इज इक्वल टू 94/47। तो डी का वैल्यू क्या आ गया, 2। अब डी का वैल्यू 2 आ गया, तो डी का वैल्यू समीकरण 1 में, डी का मान, सॉरी पेन खत्म हो गई, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है, 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2d। अब देखिए 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 12 इज इक्वल टू ए प्लस 4, 12 माइनस 4 इज इक्वल टू ए, ए इक्वल टू 8, ए इक्वल टू 8 आया, डी इक्वल टू 2 आया, तो क्या पूछ रहा है, 29 पद क्या होगा, तो देखिए ए 29 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8+28d लिख सकते हैं ना, ए प्लस 28d। अब आगे क्या होगा, ए का वैल्यू 8, 28 इंटू डी का वैल्यू 2, सॉरी यहां देखिए 28 इंटू 2 56, और 56 और 8 64, यानी कि 29वां पद जो है हमारा 64 आएगा। यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रमश, यानी कि A3 और नौवें पद A9 क्रमश 4 और -8 है, तो तीसरा पद 4 और नौवां पद -8 है, तो उसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि एन निकालना है, एन इक्वल टू शून्य, तो एन निकालना है कौन सा पद शून्य होगा, तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 2d, अब सारा उसी तरह है, कुछ नहीं, 2d इक्वेशन 1, A9 इज इक्वल टू
ए नाइन माइनस एट इज इक्वल टू ए प्लस एट डी इक्वेशन टू. समीकरण एक एवं दो से फोर इज इक्वल टू ए प्लस टू डी माइनस एट इज इक्वल टू ए प्लस एट डी माइनस माइनस प्लस ट्वेल्व कैंसिल और ये क्या हो जाएगा माइनस सिक्सटी. इसलिए डी इज इक्वल टू ट्वेल्व अपन माइनस सिक्स यानी कि माइनस टू. डी का वैल्यू हमारा माइनस टू हो गया. तो अब डी का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक क्या है फोर इज इक्वल टू ए प्लस टू डी फोर इज इक्वल टू ए प्लस टू इंटू माइनस टू माइनस फोर. इसलिए ए इज इक्वल टू जीरो. ए का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो. जीरो नहीं एट एक मिनट रुकिए. ये आया माइनस साइन लेकर इस साइड तो माइनस माइनस लेकिन साइन माइनस का आता है ठीक है मिस्टेक नहीं होना चाहिए. और फिर ए इक्वल टू यानी कि एट हो गया हमारा ए इक्वल टू एट. अब ए का वैल्यू भी आ गया. अब क्या कहा जा रहा है कौन सा पद शून्य होगा. एन निकालना है तो एन के फॉर्मूले से ही चलेंगे. एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. एन का वैल्यू शून्य है. ए का वैल्यू क्या आया एट. एन नहीं पता. डी का वैल्यू माइनस टू. अब क्या हो गया यहाँ पे प्लस माइनस 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 टू एन और माइनस माइनस प्लस टू टेन माइनस टू एन इक्वल टू जीरो. माइनस टू एन इक्वल टू माइनस टेन. इसलिए एन इक्वल टू माइनस टेन अपॉन टू. एन इक्वल टू फाइव. एन का वैल्यू यानी कि मतलब जो हुआ पांचवा पद सुन होगा. अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो.